कि हमें तीन, आज हमें हिटमैन ने चैलेंज दिया है कि हमें तीन तीन मेज बनाने हैं, और भाई हमें मेज बनाने के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा। भाई अगर हमने तीनों मेज सक्सेसफुली बना दिए तो भाई हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। भाई कौन देगा पैसा? हिटमैन भाई, अभी तो बोला मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, तो भाई चलो ना काम चालू करते हैं। सबसे पहले तो चलते पहले वाले मेज की तरफ, बनाना तो पड़ेगा ना पहला मेज। आजा भाई, इसको बनाने के लिए हमें मिला है 10 सेकंड सिर्फ। भाई 10 सेकंड में कैसे बन सकता है ये? अब मुझे कैसे पता यार, 10 सेकंड मिला तो मिला, अब क्या कर सकते हैं भाई। वो हिटमैन है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है। तो चेस्ट खोल के देखते हैं भाई, इसमें TNT है। फ्लिक, आधा TNT मैं ले रहा हूँ, आधा तू ले ले, आधा डर्ट मैं ले रहा हूँ। और ये भाई ये क्या है, प्रेशर प्लेट? मुझे लगता है TNT फोड़ना है हमें। तो भाई 10 सेकंड में हमें मेज बनाना है। तो यार एक तो हम लोग सर्वाइवल में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा हमको बनाने में। तो भाई हमारा टाइम शुरू होता है अब। ठीक है भाई, इतना इतना लगाते जा। मैं TNT लगा रहा हूँ, तो बाकी पूरे डर्ट लगाते। ठीक है, ऐसे TNT काफी रहेंगे। यहाँ पर लगा देता हूँ प्रेशर प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पर तो TNT लग गए। फिर जल्दी जल्दी लगा, टाइम नहीं है। यहाँ पर भी TNT लगा देता हूँ, कोई ना कोई तो आएगा भाई, इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतने TNT लगा देता हूँ, काफी रहेंगे। और यहाँ पर काम हो गया भाई। भाई हट तो सही, 2 सेकंड बचे बस। ठीक है भाई, यहाँ पर भी लगा देता हूँ, बस हमारा टाइम हो गया भाई, टाइम खत्म। भाई पैर मत रख देना यार, कहाँ पर फंस गया हूँ मैं, शिट, रुक जा मुझे आने दे। भाई क्या बना दिया फ्लिक हम लोगों ने 10 सेकंड में इतना सारा? तो भाई ये कैसा मेज हुआ भाई, ये तो बहुत ज्यादा छोटा सा है, तो सीधा सीधा रास्ता ही दिख रहा है हमको, मेज कैसे हुआ है? तो मुझे भी दिख रहा है सीधा सीधा रास्ता, लेकिन ज़ॉम्बी गधे है ना, तुझे पता है ज़ॉम्बी का अटैक होने वाला रात को। भाई जो हिटमैन है ना, बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज को लेकर आ रहा है, तुझे मालूम है ना कितना खतरनाक और अमीर है वो, मेयर से भी ज्यादा अमीर लगता है मुझे। हाँ तो भाई होगा फिर। तो भाई हमारा 10 सेकंड वाला मेज तो बन गया, और देखो कितना बढ़िया मेज है, वैसे उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले मेज बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले। तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, तो इस बार बहुत ज्यादा दबा के सब्सक्राइब करो हमको यार, 1 मिलियन पहुंचना है जल्द से जल्द, हो सकता है इस साल ही पहुंच जाए हम लोग, अगर आप लोग चाहो तो। और लाइक एम कितना रखना है फ्लिक इस बार लाइक एम हम लोग दे देते हैं 5069, वो भी 1 घंटे में। ठीक है भाई, ठीक है चलो भाई, चलो अगले मेज की तरफ चलते हैं। तो अगला मेज है हमारा 1 मिनट का, क्या बात है, 1 मिनट मिला तो है आखिरकार हमें। और फ्लिक तुझे खास बात पता है क्या भाई? अरे हिटमैन ने हमें ये वाला मेज क्रिएटिव में बनाने का ऑर्डर दिया है भाई, मतलब हम लोग क्रिएटिव में बना सकते हैं ये वाला मेज। तो चल भाई जल्दी बनाना चालू करते हैं ना। ठीक है, चेस्ट में पहले देखते क्या क्या है। और भाई क्या क्या चीजें रखी है चेस्ट में? आयरन की ब्लॉक है भाई, शॉर्ट गन भी है। अरे शॉर्ट गन अभी काम नहीं आने वाला हमें, ज़ॉम्बी रात को आने वाले हैं, तो शॉर्ट गन को यहीं पर रख देता हूँ। मैं ले लेता हूँ आयरन की ब्लॉक, एक एक क्लियर सबके लिए, ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये भी काफी है भाई, कितना सारा कुछ है, इतना काफी रहेगा भाई, 1 मिनट मिला और इतना सब बनाना है हमें। तो यार फ्लिक मेरा प्लान ऐसा है कि हमें पहले सोचना पड़ेगा बनाना कैसे और क्या बनाना, क्योंकि 1 ही मिनट है हमारे पास में, लेकिन क्रिएटिव मोड भी है, तो यार क्रिएटिव में हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, आपको मालूम होगा। तो फ्लिक इधर आ जा, हमारा टाइम अभी शुरू होता ही होगा। तो हमारा टाइम शुरू होता है अब, भाई जल्दी जल्दी लगा दे, एक काम कर मैं ऐसे लगाता हूँ। हाँ ये काफी रहेगा 2 ब्लॉक छोड़ के, तो आगे ले जा फ्लिक, इसको 3 ब्लॉक का बनाना ऊपर तक, मैं बाकी चीज बनाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर गैप छोड़ना है, और यहाँ पर डिस्पेंसर लगाना है भाई, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं डिस्पेंसर, इस साइड भी ऐसे डिस्पेंसर लगाना है मुझे। अरे फ्लिक ने ज्यादा खोद दिया भाई, ठीक है यहाँ पर भी डिस्पेंसर लगा देता हूँ मैं। और आपको पता सिंपल, यहाँ पर लगाना है मुझे प्रेशर प्लेट, और आपको पता मेरे पास में क्या है, ये एरोस, तो मैं कुछ एरोस भर देता हूँ यहाँ पर। फ्लिक तब तक तू आगे का बना भाई, टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है भाई, काम तो चालू है। तो देखो कुछ ज़ॉम्बीज़ को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, तो एरिया में क्राइंग ऑब्सीडियन का बना देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि ये जगह फूटे ना यार, मैं नहीं चाहता जगह पूरी ब्लास्ट हो जाए। तो पहले मैं पूरा तोड़ देता हूँ, फिर लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ TNT, भाई इतने TNT काफी रहेंगे, यहाँ पर भी लगा देता हूँ थोड़े बहुत। और ये रहा भाई प्रेशर प्लेट, ठीक है भाई इतना काफी होगा, यहाँ पर और लगा देता हूँ क्राइंग ऑब्सीडियन, तब तक फ्लिक आगे पहुंच चुका है। तो फ्लिक यहाँ पर मत आना, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है ठीक है भाई, ये वाला जो मेज है ना फ्लिक का प्लान है, तो फ्लिक इस तरफ मोड़ रहा है इसको, ठीक है अच्छी बात है। तो एक काम करता हूँ, इधर भी एक ओपनिंग खोल देता हूँ मैं, यहाँ पर भी TNT से उनको ब्लास्ट करवाऊंगा। तो फ्लिक तो पूरे दीवार को क्राइंग ऑब्सीडियन का बना दे, यहाँ पर माइन लगा देता हूँ, तो इस साइड मत आना भाई, तो फूट जाएगा, मैं यहाँ का चेंज कर दूंगा, तो आगे बढ़। तो ठीक है भाई, इतने माइन काफी रहेंगे भाई, बस 20 सेकंड बचे हुए। तो अंदर मैंने कुछ बनाया हो देखो, खतरनाक सा, यहाँ पे पूरे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के पूरा धोना है भाई। तो एक काम करता हूँ, ऊपर का थोड़ा सा एरिया मैं तोड़ देता हूँ, ताकि वो लोग देख पाए हमें। और यहाँ पर लगा देता हूँ पूरे TNT, भाई इतना काफी रहा, कुछ ज्यादा भर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं पूरे प्रेशर प्लेट, 3 प्रेशर प्लेट काफी रहेंगे। और ऊपर जाके भाई थोड़ा TNT कम करने पड़ेंगे, नहीं तो पूरे ज़ॉम्बी यहीं पर मर जाएंगे हम लोग भी। भाई बस 10 सेकंड बचे हुए फ्लिक, तो मैं यहाँ पर लेजर लगा देता हूँ, जल्दी बना जो बना सकता है। तो यहाँ पर मैं लेजर और लगा दे रहा हूँ, और ये हम लोग आगे फिनिश लाइन में, तो फिनिश लाइन में आके और लेजर लगाना है भाई हमें। तो ये लगा दिया मैंने आखिरी ब्लॉक, ठीक है भाई हो गया। भाई क्या बना दिया हम लोगों ने, एक बार दिखा देता हूँ सबको। यहाँ पर फेक वाटर है, वहाँ पर है हमारा लेजर, और यहाँ पर है कुछ और ट्रैप, और यहाँ पर TNT है, और ये तो आपको पता ही है शुरू में जो मैंने लगाया था। तो यार हमने 1 मिनट के हिसाब से बहुत ज्यादा बना दिया इस बार यार। भाई सच में तो 10 मिनट में नहीं बना सकता कोई। नहीं तो वो तो हम लोग है ना, हम लोग तेज बना सकते हैं बहुत ज्यादा। तो यार ये बढ़िया लग रहा है, अभी के लिए मैंने यहाँ से हटा दिया था ये वाले प्रेशर प्लेट, तो ये तो लगा सकता हूँ यार मैं, टाइम था मेरे पास में, ताकि फूट ना जाए पूरा, हमारा बिल्ड खराब ना हो जाए, इसलिए किया था मैंने, इसको वापस लगा देता हूँ मैं। और ये भाई देखो ऐसे काम करेगा, ये ऐसे एरोज निकलेंगे, और भाई पूरे पॉइजन के एरो है। अभी तो मैं क्रिएटिव में, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो रहा, नहीं तो इजीली मर जाता था मैं। ये देखो फ्लिक आपको डेमो दिखा रहा है, और आगे मत जाना भाई, सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है भाई चल अब नेक्स्ट वाले स्टेज में चलते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट वाले स्टेज में चलते हैं, और देखते कितने देर का है वो। और भाई ये वाला इतना अच्छा बना है, तो अगला कैसा बनेगा यार? तो अगला देखते हैं, अगला 10 मिनट का। ओ भाई 10 मिनट मिले फ्लिक हमें, भाई इस बार तो बहुत बड़ा बनाना है यार। अगर भाई हम लोग हिटमैन से जीत गए ना, वो हमें माला माल कर देगा। तो चल भाई ये वाला चेस्ट में देखते क्या है। लेकिन एक और बात बता रहा हूँ तुझे, हिटमैन ने हमें इस बार फिर से बोला है कि हम क्रिएटिव में बना सकते, क्योंकि 10 मिनट का बिल्ड है यार, वो अच्छा बिल्ड चाहता है बस, मतलब उसको देखना।
एपोकलिप्स। तो ठीक है चेस्ट खोल के देखते हैं। ओ भाई ये क्या है इतना सारा, भाई इतना टाइम भी है हमारे पास में, वैसे 10 मिनट हो जाएगा। तो पूरा माइनक्राफ्ट दे दिया इसने, तो पूरा माइनक्राफ्ट का सामान दे दिया। तो एक एक चीज तू ले, एक मैं ले रहा हूँ, सब मत ले जाना भाई। ये ले जाता हूँ मैं, ये भी मेरा है। बंदूक है इधर भाई, बंदूक तो देखा ही नहीं, मिनी गन पड़ी है यार, मशीन गन है फ्लिक। तो मशीन गन को भी खेल रख दे तू, ये देखो क्या कर रहा है बाप रे। अरे भाई आराम से। अरे भाई तो डिस्पेंसर भी लेता हूँ, लेजर ब्लॉक भी लेता हूँ, और ये एरो देखो यार क्या बढ़िया एरो है। तो फ्लिक आजा, टाइम नहीं है हमारे पास में, 10 मिनट के अंदर बिल्ड बनाना है हमें, हमारा टाइम कभी भी शुरू होता होगा। तो यार थोड़ा बड़ा बनाना है तो थोड़ा साइड में आजा, इधर बनाएंगे। तो डैश ये बिल्ड की शुरुआत कैसे करनी है? अरे उसका टेंशन मत ले, सब मेरे दिमाग में है अभी क्या करना है, लेकिन टाइम तो शुरू होने दे। तो भाई टाइम शुरू हो चुका है हमारा, तो सबसे पहले हमें लेजर के लिए एक टनल बनाना है। तो फ्लिक तो उस साइड से बना, मैं इधर बना रहा हूँ। तो एक काम कर, बीच में 4 ब्लॉक का गैप छोड़ देना, 1, 2, 3, 4। और भाई हम लोग इतने जल्दबाजी में क्यों है, 10 मिनट है हमारे पास में, आराम से बना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है फिर मैं आता हूँ चाय पी के। तो भाई यहाँ पर लगा देता हूँ मैं लेजर, और फ्लिक एक काम कर तू आगे बढ़ा भाई मेज को, मैं यहाँ पर लेजर लगा देता हूँ। तो हिटमैन ने कहा था बहुत खतरनाक एनिमी आने वाले, और मुझे नहीं लगता कि वो ज़ॉम्बीज़ को खतरनाक बोलेगा, हो सकता है बड़ा वाला ज़ॉम्बी आए। तो एक काम करता हूँ ऐसे लगा देता हूँ बहुत सारे लेजर जितने हो सकते हैं, यहाँ पर भी लगा देता हूँ। भाई इन्फाइनाइट है हमारे पास में, तो मैं भी इन्फाइनाइट लगाऊंगा। तो भाई ये देखो पूरे लेजर तो लग गए अपने, कितना बढ़िया दिख रहा है। ऊपर के एरिया मैं ढक देता हूँ, तब तक फ्लिक वापस बनाते हैं और कुछ। ये करने के बाद अगले ट्रैप की तरफ चलते हैं। तो फ्लिक यहाँ पर पूरे लेजर तो लग गए, एक काम करते हैं यहाँ पर मैं डिस्पेंसर लगाता हूँ, तो इसके अंदर फायर चार्ज भर, थोड़ा इस तरह फेस करके डिस्पेंसर लगाना पड़ेगा हमें ऐसे करके। ठीक है चारों डिस्पेंसर लगा दिया मैंने, इतना काफी होगा। अब यहाँ मुझे रेडस्टोन डस्ट लगाना है। ठीक है फ्लिक तब तक तू फायर चार्ज भर दे इसके अंदर भाई। मैं नहीं भरूंगा भाई, मुझे अलग काम है। अरे भाई भर दे जल्दी, दोनों एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर दोनों लेवर लगा देता हूँ मैं ऐसे करके भाई, देखो। अरे भाई मारी देगा मुझे। ठीक है पूरे भर दे तू, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अब देखो यहाँ से आगे जाने का रास्ता है, लेकिन हम लोग ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर नहीं आने देंगे। यहाँ पर देखो मैं घोस्ट ब्लॉक लगाता हूँ खतरनाक वाले। अब यहाँ पर एक ट्रैप बनाना है, तो यहाँ पर एक ट्रैप बनाने के लिए मेरे पास में है TNT और मेरे पास में है प्रेशर प्लेट। तो आपको पता क्या बनेगा, लेकिन उससे पहले फ्लिक यार ऑब्सीडियन का बनाना था तुझे, तो ऑब्सीडियन में बदल दे इसको। तो देखो कुछ ज़ॉम्बीज़ को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बहुत सारे TNT भाई। देखो अब TNT में कमी नहीं करना है, फ्लिक तू भी लगा दे कुछ TNT, बस प्रेशर प्लेट मत लगाना है तो पूरा फट जाएगा। इस बार हम लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है यहाँ पर पूरा TNT लगा दिया भाई, कुछ ज्यादा हो जाएंगे, जगह ब्लास्ट हो जाएगी, इतना काफी होगा। ठीक है अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्रेशर प्लेट, लेकिन अभी नहीं, बाद में, अभी और भी काम है। तो फ्लिक आजा भाई आगे, तू इसको आगे लेके जाना है हमें। ठीक है यहाँ से और ज़ॉम्बीज़ को हम आगे लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना है। तो एक काम करता हूँ मैं एरिया को थोड़ा बहुत तोड़ देता हूँ ऐसे करके, यहाँ पर मैं लावा लगाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर पूरा लावा भर देता हूँ मैं। ठीक है यहाँ पर ऐसा काफी रहेगा, और यहाँ से आएंगे पूरे ज़ॉम्बीज, लेकिन उनको ऐसे आसानी से नहीं आने दूंगा मैं। यहाँ पर कॉबवेब भी लगेंगे, जैसे हम लोग उनको मशीन गन से मारेंगे। और भाई देखो जगह जगह पर यहाँ पर लगा देता हूँ मैं कॉबवेब, भाई ज़ॉम्बी अटकने तो चाहिए ना। ये देखो फ्लिक यहाँ पर अभी से जल रहा है, तो इतना कॉबवेब काफी रहेगा यार, इतना भी बुरा नहीं मारना है ज़ॉम्बीज़ को, थोड़ी इंसानियत भी रखनी हमें। और भाई डायमंड के ब्लॉक देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो और डायमंड के ब्लॉक लगा देता हूँ। फ्लिक एक काम कर 3 ब्लॉक लगा अभी के लिए, क्योंकि और खतरनाक चीज सोचा हूँ मैंने, तो यहाँ पर और लगा देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक खतरनाक चीज, जो आपको पता होगी एंड क्रिस्टल सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं ये, तो इनको ले लेता हूँ मैं। और इनको ऑब्सीडियन पर रखना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑब्सीडियन भी चाहिए मुझे यार। ये वॉल थोड़े बड़े बनाने चाहिए मुझे, नहीं तो एरिया फूट जाएगा पूरा। जैसे देखो मैं यहाँ पर लगाऊंगा और इसको लगा देता हूँ, देखो पूरा ब्लास्ट हो गया एरिया, बस ऊपर का एरिया जाएगा नीचे का नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं ये एरिया को भी बना देता हूँ मैं ऑब्सीडियन का, तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं एंड क्रिस्टल को, और देखना ऑब्सीडियन फूटते कि नहीं। भाई नहीं फूटे, मतलब हमें ऑब्सीडियन लगाना है, क्या बात है। तो फ्लिक तो ऑब्सीडियन लगा, भाई डायमंड मत लगा वो। देखो एक काम करता हूँ ज़ॉम्बीज़ को जाने का एक रास्ता देता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है इतना काफी होगा, ज़ॉम्बीज़ यहाँ से आगे जाएंगे और फिर उनको उस तरफ ले जाना है, क्योंकि वहां पर हमारा एंड होगा मेज। और यहाँ पर एक काम करता हूँ फ्लिक, यहाँ पर आजा भाई तू, हमारे पास सेंट्री भी है। तो फ्लिक तो एक काम कर आगे तक कॉरिडोर बना दे बहुत बड़ा सा, अभी कॉरिडोर इतना आसान नहीं होने वाला है ज़ॉम्बीज़ के लिए। देखो यहाँ पर पहले मैं 2 ब्लॉक तक खोद देता हूँ, इतना काफी रहेगा, ऐसे करके हर जगह खोदना है मुझे। ठीक है अब आप सोच रहे होंगे क्या आएगा यहाँ पर, भाई सिंपल सी बात है लावा आएगा, लेकिन यार ज़ॉम्बीज़ को तो दिख जाएगा तो लावा में गिरेंगे नहीं वो लोग। तो मैं एक काम करता हूँ लावा को ऐसे भर देता हूँ पहले, और यहाँ पर मुझे लगाना घोस्ट ब्लॉक अभी के लिए खोल के रखता हूँ, ताकि मुझे मालूम चले मैं ना गिर जाऊँ। ठीक है ऐसे काफी रहेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाना हमें। फ्लिक तो कॉरिडोर आगे ले जा बस। ठीक है भाई और आगे लेके जाना है क्या? बहुत आगे। ठीक है लावा भर देता हूँ मैं, इतना काफी होगा, इतने में लावा आ चुका है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे लगा देता हूँ अपने घोस्ट ब्लॉक। अब देखो भाई देखो यार फ्लिक ने कितना बड़ा कॉरिडोर बना दिया यहाँ पर। तो देखो आप लोग देख पाए होंगे कहाँ कहाँ पर घोस्ट ब्लॉक है। अब यहाँ पर ज़ॉम्बी आएंगे और ऐसे करके गिर जाएंगे भाई, जैसे मैं गिरा हूँ। वो लोग बहुत ज्यादा स्लो होते हैं तो इजीली गिर जाएंगे। तो एक दो और बना देता हूँ मैं, ये फाइनल वाला मेरा, इसके बाद नहीं बनाऊंगा मैं। ठीक है ये है, अब देखो इतना तो हो गया। अब वो ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो मेरे पास में सेंट्री है यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ भाई, 2 सेंट्री लगाना है हमें यहाँ पर। तो एक यहाँ पर लगा देता हूँ, एक यहाँ पर, और भाई इसको एक्टिवेट करना पहले। तो ये देखो भाई एक्टिवेट हो गया ये सब, इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। ठीक है जैसे ज़ॉम्बीज़ आएंगे भाई, ज़ॉम्बीज़ को कुत्ते की मौत मारेंगे ये लोग। ठीक है इतना काफी होगा, अब आगे की तरफ चलते हैं। भाई फ्लिक तू वहाँ पर बना दे, यहाँ पर मैं एंड क्रिस्टल लगाता हूँ, लगाना भूल गया था मैं। यहाँ पर 3 एंड क्रिस्टल काफी होंगे। अब देखो ये तो बहुत हार्ड जगह है, लेकिन ये इजी होने वाला है। जो ज़ॉम्बीज़ बच के आएंगे वो लोग यहाँ पर आएंगे और घूम के फिर, अब देखो इनके लिए थोड़ा सा
सा छोटा सा रास्ता बनाऊंगा मैं, ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं होगा। अब इनको घूम के वहां पर ले जाऊंगा मैं, टच करवा दूंगा। लेकिन भाई इतना भी आसान नहीं होने वाला ये सब। डैश मेरा काम तो हो गया। अब वैसे तूने ये वाली जगह क्यों बनाया? ये जगह मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक विलेजर की बलि देने वाले हैं। तो देख एक काम करते, पहले जगह को थोड़ी सी बड़ा बना देते, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो यार यहाँ पर मैं डाल देता पूरा लावा, इतना काफी रहेगा भाई। बहुत बड़ा लावा का पुल बना दिया मैंने। और इसके बीच में रखना है एक विलेजर हमें, ठीक है? यहाँ पर हमें एक विलेजर रखना है। तो फ्ली के काम कर, विलेजर स्पॉन कर दे भाई तू। अरे भाई ज़ॉम्बी नहीं यार विलेजर। अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, इसको नाम देख देख। तो अच्छा उल्टा हो रहा है, मतलब हमें विलेजर ही रखना है यहाँ पर। इसको गिरा अंदर, ये तो गिर चुका है। अब ये ले, ठीक है, इसको हमने उल्टा कर दिया भाई। अभी सोच रहा हूँ क्या होगा इसके साथ में, लेकिन कोई बात नहीं, हमें टाइम तो मिल जाएगा। ज़ॉम्बीज इसको मारेंगे और हम ज़ॉम्बीज को। भाई हजार से भी ऊपर ज़ॉम्बी आने वाले फ्लिक, तुझे मालूम है ना? हाँ पता है। एक काम करता हूँ भाई, इसको मैं लीवर दे देता हूँ, ये ले ले भाई तू, आराम से मजे कर उसके साथ। भाई यहाँ पर पूरे ब्लॉक लगा देता हूँ मैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास में। तो उसको वहाँ पर ज्वाइन करना है मुझे। फ्लिक जल्दी लगा भाई, दो मिनट बचे सिर्फ। यहाँ पर मैं रहूंगा या फ्लिक रहेगा, कोई ना कोई तो मारेगा उसको। तो बड़ा एरिया ज़ॉम्बी के लिए, बड़े वाले अगर आएगा तो। मुझे पता नहीं वैसे आ पाएगा कि नहीं वो। तो वो रास्ता बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे खुफिया रास्ता बनाओ, जिससे हम इस पार से उस पार जा सके। यार हमको भी तो भागना पड़ेगा ना, तो यार ये जगह ठीक रहेगी। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ घोस्ट ब्लॉक। अब ज़ॉम्बी को शायद ही मालूम चलेगा, ऐसा दिखेगा नहीं, टेंशन मतलब। मैंने गॉगल्स पहनाओ ना, ये गॉगल्स हमें देखने में मदद करते हैं। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ और भाई सीधा मैं यहाँ पे खोल देता हूँ इसको, यहाँ पर बना देते हैं। और ये एरिया को थोड़ा सा पैक कर देता हूँ अच्छे से, वैसे टाइम ज्यादा बचा नहीं है। तो आखिरी कुछ बिल्ड बना देता हूँ जल्दी मैं। तो भाई ये तो बन गया पूरा रास्ता। और फ्लिक एक बार आके दिखा भाई कहाँ पर है तू। रुक जा मैं आ रहा हूँ। किधर है भाई? ये यहाँ पर रास्ता है, तुझे दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ये रहा रास्ता, ऐसे ऊपर जाना है यहाँ से। और भाई यहाँ से खुद के हम पहुंच जाएंगे टॉप पर। ये देख हम आ गए मेरे पीछे पीछे। अब यहाँ पर तो टॉप पर आ गए हम लोग, लेकिन यार अभी हमारा बिल्ड पूरा नहीं हुआ है। तो आखिरी का कुछ डिफेंस एक बना देता हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर फेंसेस लगा देता हूँ। अभी ऐसे वैसे फेंस नहीं है भाई, इलेक्ट्रिक फेंस है ये। कोई भी इसको टच करेगा झटका लगेगा उसको। तो ऐसे गैप गैप में मुझे रखना है ऐसे। फ्लिक तब तक तो आखिरी का स्टेज बना दे, जहाँ पे हम आखिरी में जाने वाले बच के। ठीक है यार, और काम जल्दी कर, सिर्फ दो ही मिनट बाकी है। दो मिनट तो तब बचे थे, अब तो सिर्फ एक मिनट बचा है। तो ये तो मैंने पूरा लगा दिया। अब ज़ॉम्बी ऐसे जाएंगे आराम आराम से और उनको झटके लगेंगे, उनको मालूम ही चलेगा किसने मारा है उनको। बाकी हम लोग तो ऊपर रहेंगे ना उनको मारने के लिए। ठीक है ये तो बन चुका है और ये एरिया बन चुका है। देखो इतना एरिया मैंने खाली रखा हूँ, इसमें थोड़ा बहुत कुछ लगाऊंगा आखिरी में। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पर हम एक फाइनल स्टेज बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें बच के आना है, इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन।